वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग घर में मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। स्वागत है और स्वागत मेरी आप सबको प्यार भरी नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका इस वाले व्लॉग में। तो स्वागत हो चुका है। और भाई यार, हमारे स्कूल वालों ने आज छुट्टी कर दी। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। इंद्रदेव भगवान जी जो है बारिश करने में लगे हुए लगातार, तो मैं इंद्रदेव भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ बारिश ना करे, नहीं तो कुछ मेरे जैसे मेहनती बच्चे और थोड़े बहुत आलसी बच्चों को जो है स्कूल जाके काम नहीं करना पड़ता। पर हमारी मम्मी देखो यार, छुट्टी पड़ गई तो काम बता दिया कि ये वाला कमरा साफ कर, ऊपर वाला बाथरूम साफ कर, बाहर जा, बाहर जाके नीचे वाला हॉल जो है वो साफ कर। तो सब साफ सफाई का काम मुझे दे दिया। और दीदी तो भाई सुबह सुबह चली गई है कोचिंग और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। काम नहीं करेगा तो सिर्फ मोबाइल ही तो चलाएगा। हाँ यही तो करेगा और क्या करूंगा फिर मैं, और अपना ये काम करूंगा। इसमें मैम ने काम दिया है वो काम, वो वाला काम करेगा। अगर थोड़ा बहुत हेल्प मम्मी की कर देगा, थोड़ा बहुत नहीं है ये पूरा बहुत है। इनने ऊपर वाले कमरे में झाड़ू मारी है और बस मेरे वाले में मारी है। भाई का पूरा मुझे साफ करना पड़ेगा। अब खाली किचन में और मार रही है, ये मुझे साफ करना पड़ेगा, बाथरूम मुझे साफ करना पड़ेगा। ये घर की वो कुर्सी बेचारी कभी खाली नहीं हो पाती। हाँ, इस पे खाली बेचारे पे कपड़े रहते हैं। अरे बारिश आ रही है, अचानक से बारिश आए थे तो सारे कपड़े उतार के लाने पड़ते हैं। फिर रखने के लिए कुर्सी मिलती है तो उस पे रख देते हैं, रख दिए कुर्सी पे। फिर कुर्सी के बाद वो बेचारे वहीं सड़े रहते हैं। तुम तय कर दो ठीक है ना। यार मुझे तो काम करना पड़ेगा, नीचे जा रहा हूँ साफ करने के लिए। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं कमेंट में लिख के जरूर बताना। अच्छे लग रहे हैं ना? लग रहे होंगे भाई, लग रहे होंगे, हमें तो ना लग रहे। ओ भाई मैं टीवी पे आ रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना डैग और कनेक्ट करते हैं इसको ब्लूटूथ से और गाने चलाते हैं बढ़िया से और फिर करते हैं मन लगाकर साफ। और सबसे पहले और मुझे सबसे पहले तो करना है यहाँ पर साफ और बाहर जो है पानी मार के साफ करना है, यहाँ झाड़ू मारनी है, बस इतना ही काम है, आज ज्यादा नहीं है। पर भाई दीदी जब घर पे होती है ना बिल्कुल साफ नहीं करती, मुझे मम्मी काम बताती रहती है। चलो अपना ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो गया, अब गाना लगाते हैं और लग जाते हैं काम पर। साफ करना भी स्टार्ट भी नहीं करा उससे पहले ही इतने पसीने आ गए। लड़की को भी कुछ काम बता देना। छत गंदी हो गई है बारिश का, जो पानी है ना पौधों में भर जाता है, फिर पौधे लाल लाल पानी पूरे में कर देते हैं क्योंकि नीचे छेद हो रहे हैं पौधे को। वो छेद क्या कर जाते हैं, पानी निकल जाए। हाँ पानी निकल रहा है, वो पानी निकल रहा है तो वो मिट्टी के संग निकल रहा है पूरा, क्योंकि उसके ऊपर तुमने वो नहीं लगाया कुछ कवर करने के लिए, मिट्टी कवर ना बाहर निकले। कोई ना, अब वो साफ करने के लिए जाना पड़ रहा है। स्कूल वाले प्लीज छुट्टी मत करा करो, इंद्र भगवान बारिश मत करा करो, हमारे घर वाले हमको काम बताते हैं। मैं दिन की छुट्टी से हुआ बच्चा परेशान। अरे हाँ का संडे वाले दिन भी मैं साफ करता हूँ घर को। और शाम के अभी लल्ली आएंगी कोचिंग है, शायद चाय बना दे, देखेंगी हम उनके लिए चाय बनाए। कोचिंग गई है? हाँ कोचिंग गई है, फिर वहाँ वहाँ आएंगी डीएस फॉर्म भरने के लिए। और चाय ले लूँ भाई, मैंने सुबह से खाली दो ग्लास चाय पी है, आज एक भी ग्लास चाय नहीं पी, इसलिए एक ग्लास और बन जाती है। चाय तो मैं कम ही पी रहा हूँ वैसे। और भाई थोड़ा सा काम करा मैंने, तुरंत पसीने में ना गया, पसीने तो बहुत आते हैं। अब स्कूल में गेम का पीरियड होता है, मेरी टी शर्ट पूरी भीग जाता है क्लास में, आ तो सारे बच्चा देख रहे होते हैं। तू बनियान ना पहन, बनियान पहने कर ना, बनियान सोख ले। चाय, बारिश का मौसम, चाय कितनी मजेदार चीज लग रही है। रात इतनी भयंकर बारिश और अब उमस है इतनी भयंकर वाली। हाँ पर जो है पौधों को पानी लग गया इस तरीके से, बारिश के पानी से सब पौधे उग जाएंगे अच्छे अच्छे कल मैंने तुझसे कहा था पौधों में पानी लगा दे, तो लगा तो दिया। पौधों में पानी नहीं लगाया। कोई बात नहीं भैया, गर्मी आई है कि अभी आऊंगी? गर्मी तो अभी ये सड़ी गर्मी चल रही है, लगी ना रही गर्मी तो। तो कल आइए, तो मम्मी कह रही है शाम को साफ कर दियो छत को, तो मैं शाम को करूंगा। और अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी नानी ने ना मुझे कुछ नुस्खा बताया है। ये हाथों पे देखो ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, ये काले काले हो जाते हैं, तो नानी ने नुस्खा बताया तो वो आपको भी बताता हूँ और आप भी ट्राई करना। अब पहले मैं दिखाता हूँ कि हुआ या नहीं साफ है। मम्मी ने नुस्खा बताया तो उसमें सबसे पहले हमने लिया है इसमें बेसन और डाला है दही और इनको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और फिर क्या बताया मम्मी नानी ने, थोड़ा सा एक चीज और बताई थी मैं भूल गया, बेसन दही और काओ याद करो 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 याद करो याद करो याद करो याद करो बेसन दही थोड़ा सा पानी या गुलाब जल। हाँ गुलाब जल
गुलाब जल रह गया था, ये रहा अपना गुलाब जल, तो ये भी डालते हैं। चल गया थोड़ा सा गुलाब जल, इतना डालने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे फेंट के और थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो, फिर उसके बाद अपने हाथों पर लगाना स्टार्ट करना। बस अब इंतजार करते हैं 3 मिनट होने का, 3 मिनट के बाद हम इसको ट्राई करेंगे अपने हाथों पर लगाकर। 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए और अब इसको मैं अपने हाथों पर लगा रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर भाई पूरा मौसम चेंज हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, तो ऊपर ही बैठ कर आराम से अपने हाथों पर लगा रहा हूँ, धूप बिल्कुल है ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने कटोरा ले लिया, अब इसमें ये लिया हाथ में और ऐसे करके अब अपने हाथ पे अच्छे तरीके से लगा रहा हूँ। पूरे हाथ पे अच्छे तरीके से लगा दिया है और फिर इसको थोड़ा सा रगड़ लो ऐसे पहले, फिर उसके बाद फिर से लगाना है और फिर से खाली मोटा मोटा करके छोड़ देना है और 5-6 बार और लगाऊंगा, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन छोड़ के बीच बीच में लगा लिया करूँगा, जिससे जो है हाथ का कालापन हट जाए। नानी ने ये बताया कि ऐसे ऐसे लगाना चाहिए। और हाँ, आप इसमें थोड़ा सा कोलगेट और डाल लेना, मैंने भी अभी डाला है, मैं भूल गया था कि कोलगेट भी बताई थी, तो मैंने तो डाला है याला कोलगेट और कोई और भी डाल सकते हैं जो आपके पास है अभी। ये दोनों हाथों पे मैं अच्छे तरीके से मैं लगा दे मोटा मोटा करके और इसका वेट करेंगे। कम से कम सूखने में इसको लगेंगे कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, तो फिर मैं नीचे पंखे में बैठ जाना है, पंखे में बैठ के जल्दी सूख जाएगा। मुंह पे और लग गया, कोई ना, इस वाले हाथ पे ही मोटा मोटा करके लगा देता हूँ। फिर उसके बाद खोया हमको छुटाना, अब बैक साइड पे भी लगा और इसको ज्यादा देर तक मत रख देना ऐसे ही, मैंने रख दिया, मैं 5 मिनट के लिए रखा मुश्किल से, ज्यादा देर के लिए रखेंगे और दही जो होगा गर्मी के कारण दही फट जाएगा, वैसे उसमें बुलबुले से निकल जाएंगे। हाँ, अभी दोनों हाथों पे मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है, याले हाथ और हाथ धो लेता हूँ। बस हाथ भी धो लिए और दोनों हाथों पे अच्छे तरीके से लगा भी लिया। इंतजार है इसको सूखने का और सूखने के बाद जो है इसको छुटाऊंगा और फिर जाऊंगा सीधे नहाने के लिए। हाथों पर थोड़ा बहुत फर्क तो दिखा है दोनों पर, इस पर भी, पर यहाँ ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा बहुत कम दिखा है, पर हाँ फर्क दिख रहा है। अब इसको साफ करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे साफ हुए हैं, अच्छे तरीके से हुए हैं नहीं। 3-4 बार जो है हफ्ते में कर लिया करूंगा, तो उससे पूरे हाथ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा है, हाथ साफ से हुए हैं, ज्यादा काले हो रहे थे इस टाइम पे, और हफ्ते में 2-3 बार और लगा लूंगा और उसके बाद अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। और भाई अभी बनाने के लिए जा रहा हूँ शाम की चाय और अभी टाइम हो रहा है 5:30, हाँ 5:30 हो रहा है। आज मैं लेट नहाया बहुत, क्योंकि एक काम था बाहर, मम्मी ने बताया था तो वो करके आया था मैं, मम्मी ने जाने नहीं दिया क्योंकि मम्मी कह रही थी बाहर हो रही है बारिश और खामखा स्कूटी वगैरह पड़ जाती, तो फोन में गलती से भी एक खरोच आ गई तो बहुत महंगी खरोच पड़ जाएगी वो मेरे लिए। चाय भी बनने के लिए रख दिया है, अब इसके खोलने का इंतजार है। भाई आज चाय नहीं चलाऊंगा, नहीं तो वो कल बड़ी आसानी से साफ कर जाता मैंने, पर उसमें दिक्कत होता हूँ कहाँ आई, उसकी किनारी जो होती है उसमें दिक्कत आई, बीच में जो होता है वो तो अच्छे तरीके से साफ हो गया। मैंने क्या करा, नींबू लिया, नींबू निचोड़ दिया, उसमें पानी डाल दिया और पूरे में लगा दिया इस तरीके से साबुन और थोड़ा डाल दिया नमक और उसको खोलने के लिए रख दिया, वो हो गया फिर बहुत सॉफ्ट। मैं चक्कू से छुटाया, वो पूरा ही अच्छे तरीके से साफ हो गया। वीडियो बनाइए, क्योंकि कई लोगों को अच्छे तरीके से साफ करना नहीं आता, तो मेरी उस शॉर्ट वीडियो से कई लोगों को फायदा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले सोचा एक शॉर्ट वीडियो भी बना ली जाए लगे हाथ। सही टाइम पर आ गया, देखो निकलने ही वाली थी, इतने में मैं पहुंच गया। मेंटल भी धो लिया, अब इसमें बलते हैं चाय को, गर्मा गर्म चाय अपने के लिए ले ली है चाय और दीदी की रख दी है, दीदी जब ट्यूशन पढ़ा लेंगे उसके बाद दे दूंगा दीदी को भी। लाइट चली गई, इतने में बिग बॉस बंद हो गया। छत पे आया हूँ और जो काम मम्मी ने मुझे बताया था वो काम मम्मी ने खुद ही कर दिया, पूरा साफ कर दिया यहाँ पे और अपने पौधों को भी अच्छे तरीके से पानी लग गया है। कुछ पौधों में ऐसे पानी भर गया है ना, तो ये पीला पीला जो है मिट्टी छोड़ रहे हैं और प्लस साथ में गंदा पानी भी छोड़ रहे हैं, इस वजह से साफ करना पड़ रहा है। बारिश वाले बादल अब भी हैं और देखो सामने की तरफ निकल रहा है बहुत हल्का सा रेनबो 3 रंग का। और भाई मेरे स्कूल जाने से पहले ना वो बारिश रुक जाए बस, और बारिश ही ना हो मैं तो ये चाह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के ग्राउंड में ही पानी भर जाता है, हम खेल भी नहीं पाते अंदर ही अंदर, फिर कैरम वगैरह खेल लो गेम के पीरियड में। घर में कितने कितने छोटे बच्चे हैं, देखो लल्ली को डोरीमोन देखा जा रहा है। सिमी भी तेर से बड़ी है, छोटी है पागल, 5 ही तू डोरीमोन नहीं देखती क्या, सो रहा हूँ मैं सोने पर ध्यान दे, और मेरा ही मन कर रहा है डोरीमोन देखने का। मन देखने का मन था उतना तो देख लिया, और इसी के साथ इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग से व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा है व्लॉग, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, और आई फ्लू चल रहा है, किसी दोस्त वगैरह से बाहर हाथ मिलाने के बाद आंखों को टच करने से पहले हाथ जरूर धो लेना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।